नमस्कार मित्रों, पुनीस एस्ट्रोलॉजी हिंदी के अगले वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्र जो हमारे लिए भौतिकता, विलासिता, शुक्र जो हमारे सारे मटेरियल चीज़ों के स्वामी हैं, हमें जो धन संपत्ति देते हैं, शुक्र जो हमें पैसों से भर देते हैं और हमें लक्ष्मी प्राप्त होती है शुक्र की कृपा से, अच्छी शादी, अच्छा विवाह, सुख संपन्न जीवन, ये सब शुक्रदेव प्रदान करते हैं। वही शुक्रदेव अब मिथुन राशि की ओर गोचर करेंगे। वृषभ राशि जो उनकी अपनी राशि है, वहां से निकल के मिथुन राशि में गोचर उनका 29 मई 2021 को होगा। 22 जून तक शुक्रदेव मिथुन राशि में रहेंगे, तत्पश्चात वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। ये जो ड्यूरेशन है 29 मई से लेकर के 22 जून तक का, ये कैसा रहेगा, आइए संक्षिप्त में इसे जानते हैं। शुक्रदेव अपनी एक राशि टॉरस यानी कि वृषभ राशि से द्वितीय और दूसरी राशि तुला राशि से नवम, यानी कि यहाँ पे एक तो अपनी एक राशि से नवम हो जाते हैं जो कि बहुत ही भाग्यशाली है, और अपनी दूसरी राशि टॉरस से वो द्वितीय हो जाते हैं जो कि भावद भावम से शुक्र की स्थिति को बहुत ही सार्थक करता है, मजबूत करता है। और यहाँ पे शुक्र का जो बल है, उनका जो कार्य क्षेत्र है उसमें विस्तार होता है। मिथुन जो राशि है वो बुध की राशि है। बुध और मंगल शुक्र के साथ उपस्थित रहेंगे जब शुक्र का प्रवेश होता है, तो यहाँ पे शुक्र के बुध और मंगल का बल भी प्राप्त होता है। और शुक्रदेव जब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो वो राहु और सूर्य के गोचर से, युति से मुक्त हो जाएंगे। उनकी मुक्ति ये बताती है कि राहु का जो असर शुक्र पे पड़ रहा था वो अब समाप्त हो जाएगा, यानी कि शुक्र के ऊपर जो नकारात्मक प्रभाव था वो हट जाएगा और शुक्र मिथुन राशि में जा करके क्रिएटिव एक्सप्रेशन, बहुत ही सकारात्मक रूप से अपने आप को व्यक्त करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपको नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सीखने चाहिए, नई भाषा सीखनी चाहिए, कुछ क्रिएटिव करें, कुछ सकारात्मक करें, कुछ सृजनात्मक करें। ऐसे कर्म करने से शुक्रदेव आप पे कृपा ज़रूर बनाएंगे। शुक्र का ये गोचर अति महत्वपूर्ण है क्योंकि शुक्र के गोचर के बाद कुछ ऐसी खगोलीय घटनाएं होंगी जो कि काफ़ी महत्व रखती हैं हमारे जीवन में। पहला, सूर्य ग्रहण लगेगा शुक्र की ही राशि वृषभ राशि में। दूसरा, मंगल का गोचर शुक्र के आने के कुछ दिनों के बाद ही कर्क राशि में हो जाएगा और मंगल नीचस्थ हो जाएंगे। मंगल के नीच होने के कारण शुक्रदेव जो हैं, एक तरफ राहु जो वृषभ राशि में और मंगल जो कर्क राशि में है, उनके बीच में पाप कर्तरि योग में फंस जाते हैं। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि शुक्रदेव बहुत कुछ करना चाहेंगे लेकिन पाप कर्तरि के कारण वो बंधे बंधे से फील करेंगे, यानी आपके जीवन में जो लग्जरी है, जो एक्सप्रेशन है, वो आएगा तो ज़रूर लेकिन आपको उसे व्यक्त करने में, उसे सार्थक करने में, उसे सजीव करने में काफ़ी प्रयत्न और वक्त देना पड़ेगा, काफ़ी समय देना पड़ेगा उस चीज़ के पीछे। तो मेहनत करने से जी न चुराएं, पूरी मेहनत करें क्योंकि शुक्रदेव आपको मेहनत का फल ज़रूर प्रदान करेंगे, क्योंकि शुक्र की इस स्थिति पर गुरु की दृष्टि भी पड़ती है। तो शुक्र के गोचर के बाद ग्रहण लगता है, मंगल का ट्रांजिट होता है, इसके साथ साथ गुरु भी वक्री हो जाते हैं 20 जून को, यानी कि शुक्र कर्क राशि में जाने से पहले वक्री गुरु को ज़रूर देखेंगे। वक्री गुरु की दृष्टि उन पे आखिरी कुछ दिनों पे पड़ेगी जो कि उनके बिहेवियर में चेंज लेके आएगी। उसका जो प्रभाव आप पे पड़ेगा उसके बारे में तो मैं अगले वीडियो में, शुक्र का कर्क राशि में गोचर, उस वीडियो में आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे ज़रूर इन चीज़ों का प्रभाव हम पे एक मिला जुला पड़ेगा। शुक्र का मिथुन राशि में गोचर होते ही बुध की उपस्थिति होना और बुध का इमीडिएटली तुरंत वक्री होकर के वापस वृषभ राशि में जाना, ये दिखाता है कि कुछ दिनों तक शुक्र और बुध आपस में स्थान परिवर्तन कर लेंगे। शुक्र की गति प्रोग्रेसिव, आगे बढ़ रहे होंगे, मार्गी होंगे, वहीं जो बुध हैं वो वक्री हो रहे होंगे। इसका अर्थ ये है कि डेफिनेटली आपको आपके लॉसेस के बारे में, क्या खर्चा हो रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी, क्या अनावश्यक खर्चा हो सकता है उसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। क्योंकि शुक्र के दूसरे भाव में भी एक पाप ग्रह है, 12वें भाव में भी एक पापी ग्रह है, तो यहाँ पे धन संबंधी आपको चिंताएं आएंगी। आपका मन तो करेगा कुछ करने का,
कुछ एक्सप्रेशन करने का, कुछ सीखने का, कुछ इन्वेस्टमेंट करने का, घर खरीदने का, गाड़ी खरीदने का, अपने जीवन के उद्धार के लिए, उत्थान के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने का मन तो करेगा, पैसे लेकिन कम पड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे खर्चा और इनकम दोनों में बैलेंस नहीं बन रहा। इसी को बैलेंस बनाने के लिए शुक्रदेव मिथुन राशि में तत् प्रयास करते रहेंगे और आपको एक क्रिएटिव तरीका निकालना है, फ्लूइड तरीका निकालना है, एक कहते हैं ना कि एक बाईपास करके निकलना है चीज को। शुक्रदेव किसी भी चीज को हेड ऑन कोलिजन नहीं लेते, लेकिन यहां पे शुक्रदेव की जो ऊर्जा है वो शक्ति है और शक्ति से हमें माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पे विष्णु लक्ष्मी का जाप करें और महालक्ष्मी के मंत्रों का भी जाप करने से, श्री सूक्तम का जाप करने से निश्चित लाभ प्राप्त होगा। दूसरा क्षेत्र है बिजनेस और करियर। तो इसमें शुक्रदेव जब मिथुन राशि में जाते हैं तो वो निसंदेह गुरु की दृष्टि के कारण थर्ड हाउस यानी कि आपके करियर को एक्सपैंड करते हैं। तो जितने भी लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, शुक्र से संबंधित कार्यों से जुड़े हुए हैं, उन्हें तो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन प्राप्त होगा। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं तो शुक्र की ये स्थिति, जब तक आप क्रिएटिव एक्सप्रेशन नहीं देते, कुछ नया, कुछ अलग, कुछ सोच अलग हटके करने की कोशिश नहीं करते, तब तक आपको सही सक्सेस नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे यही रिकमेंडेशन है कि अगले कुछ दिनों तक आप बिल्कुल एक नए रूप से, एक नए सिरे से, नए ढंग से कुछ एक क्रिएटिव टच देकर के चीज़ों को करने की कोशिश करें। रिश्तों और शादी और रिश्तों के मामले में यहाँ थोड़ी कठिनाई आ सकती है, मन कटु हो सकता है, बंधा बंधा लग सकता है, ऑप्रेस्ड फील हो सकता है, दबाव महसूस हो सकता है, घुटन सी फील हो सकती है। तो यहाँ पे उसको हटाने के लिए संगीत का प्रयोग करें। संगीत, या तो अगर आपको गाना आता है तो गाएं, नहीं तो गीत सुने, संगीत सुने, कृष्ण भजन सुने और लक्ष्मी माँ की स्तुति अष्ट लक्ष्मी स्तोत्र को सुनने मात्र से आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। शुक्र दारिद्र दूर करते हैं तो आपके घर में किसी भी तरीके का दारिद्र नहीं होना चाहिए। इसके लिए घर को साफ रखें, कपड़ों को साफ रखें, घर से जितना भी पुराना सामान है उसे हटाएं। जितना क्लीन और नीट घर होगा, जितना साफ सुथरा रहेगा, उतना अच्छा फील होगा आपको। और सफ़ेद चीज़ों का दान करें और मिठाई, सफ़ेद कलर की मिठाई, सफ़ेद रंग की मिठाई को भी दान करने से लाभ प्राप्त होगा। विवाह संबंधी कार्यों में थोड़ी कठिनाई आ सकती है। आप एक्सप्रेस करना चाहेंगे, आप किसी अपने पार्टनर के लिए कुछ करना चाहेंगे, लेकिन रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, पलट करके कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, उसको इग्नोर करें कुछ समय तक। अन्यथा मंगल जो नीचस्थ बैठेंगे कर्क राशि में, वो आपके मन को काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट कर देंगे, आपकी इच्छाओं को काफ़ी हद तक झिंझोड़ देंगे, जिससे कि अनावश्यक टेंशन, एक स्ट्रेस उत्पन्न हो जाएगा मस्तिष्क में, जो कि आपकी हेल्थ खराब कर सकता है। हेल्थ पे अगर आए तो शुक्र से अष्टम शनिदेव ये कहते हैं कि योग और प्राणायाम के जरिए आप अपने बॉडी के एंजाइम हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। शुक्र जब भी फंसते हैं तो हार्मोनल इंबैलेंस यूजुअली होता है, खासकर अगर आपकी कुंडली में शुक्र उच्च नीच की स्थिति में है या राहु केतु शनि से कंबाइंड हैं, कंजंक्ट हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली शनि की उपस्थिति शुक्र से अष्टम होने के कारण थोड़ा सा कष्ट यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड आता है। मिठाई का सेवन कम करें, प्राणायाम, योग और भोजन, इन तीनों का सामंजस्य आपकी हेल्थ को काफी सुधार के रखेगा। मानता हूं कि राहु और मंगल एक दो तरफ बैठे हैं शुक्रदेव के, लेकिन चूंकि वो बैठे हैं इसीलिए आपका ध्यान नकारात्मक चीजों, अपनी कमियों, अपने जीवन की कमियों के ऊपर जाएगा, और जब वो जाएगा तब आप उसका अपना ध्यान जो है उन एवेन्यूज ऑफ लाइफ, उन जीवन के उन पहलुओं पर आपका ध्यान जब केंद्रित होगा, आप उसे नेगेटिव होने के बजाय उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, तब आप देखेंगे कि आपको आप कैसे तरक्की और सक्सेस की ऊंचाइयों पे चढ़ते चले जाते हैं, वो सक्सेस की सीढ़ी शुक्रदेव आपको अवश्य प्रदान करेंगे। इसको नकारात्मक न ले, ये काफ़ी पॉजिटिव ट्रांजिट है शुक्र की, बस थोड़ी सी लॉक्ड है, दबी हुई है, तो उसे हम मुक्त कर सकते हैं अपने कर्मों से, क्रिएटिविटी से और महालक्ष्मी के मंत्र जाप से। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिले मेरी नोटिफिकेशन जब भी मैं करूं कोई वीडियो अपलोड। मिलता हूं आपसे ऐसे ही अगले बहुत सारे वीडियो में। मैं आपका होस्ट पुनीत, तब तक के लिए नमस्ते।